दोस्तों 2012 के अफ्रीकन यूनियन समिट में जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया यानी कि AfCFTA को इनिशियली प्रपोज किया गया था, इसके दो मेन गोल्स थे। पहला, एक पैन अफ्रीकन ट्रेड एंड कॉपरेशन का एजेंडा प्रिपेयर करना, और दूसरा स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज और कॉपरेटिव लेजिस्लेशन की मदद से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना। अफ्रीकन ब्लॉक के इस एस्टैब्लिशमेंट से अफ्रीकन ट्रेड और डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट चेंज की उम्मीदें थीं। कई सालों तक अफ्रीका का ट्रेड सिर्फ कॉलोनियल ट्रेड रूट्स तक ही सीमित था, जिससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा आपस में ही ट्रेड किया करते थे। AfCFTA के एग्जिस्टेंस में आने से इस बात की संभावना नज़र आ रही थी कि अफ्रीकन इकोनॉमिक ब्लॉक दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बनकर उभरेगा, लेकिन इस ट्रेड ब्लॉक के कुछ महीनों के अंदर ही ये बात क्लियर हो गई है कि इस डील से अफ्रीकन नेशंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। इस डील से ग्रेटेस्ट बेनिफिट रीप कर रहा है चाइना। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का पर्पस चाइना के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का एक एनालिसिस प्रेजेंट करना है, जिससे आप कम्युनिस्ट चाइना के क्रोनी कैपिटलिज्म पॉलिसीज को समझ सकें। इसके साथ हम चाइना के कनिंग स्ट्रेटजी का अफ्रीकन मार्केट में पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, चाइना आज सब सहारन अफ्रीका का शायद सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इस न्यू रोल ने चाइना को पूरे कॉन्टिनेंट की पॉलिसी शेप करने की पोजीशन पे पहुंचा दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के चाइनीज प्लेज एक बार नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ताइवान के डिप्लोमेटिक स्टेटस को रिड्यूस करते हुए ताइपे ट्रेड मिशन को नाइजीरिया से बाहर निकाल दिया है। इस इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट हम UN में भी देख सकते हैं, जब हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ की वोटिंग के दौरान 25 अफ्रीकन कंट्रीज ने चाइना का साथ दिया था। दोस्तों, चाइना अफ्रीका में अपने न्यू लोन, ट्रेड डील्स और मिलिट्री एग्रीमेंट से खुद का नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है, और इन डील्स से अफ्रीका नहीं बल्कि चाइना ही प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है। आज चाइनीज कंपनीज अफ्रीका के ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डोमिनेट कर रही है। जहां एक ओर 2018 में अपने $100 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए जाने के कमिटमेंट के अगेंस्ट चाइना ने एक्चुअली 1/4 पैसे खर्च किए हैं, वहीं दूसरी ओर उसे एक साल पहले पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 50% से ज़्यादा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स चाइनीज कंपनीज को मिले थे। दोस्तों, चाइना का अफ्रीका में प्रेजेंस स्ट्रैटेजिक है। अपने नो स्ट्रिंग्स अटैच इन्वेस्टमेंट डील्स के साथ चाइना आज अपने नए एलाइज बना रहा है और अपने गोल्ड इन्फ्लुएंस को अमेरिका के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है। इफ्रैन चलामिश एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ स्कॉलर हैं। वो बताते हैं कि चाइना खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू ग्रोथ बूस्ट करने वाला देश बता रहा है, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां इस डोमेन में लोकल कैपेसिटी की कमी है। चाइना की यह स्ट्रैटजी अफ्रीका में काम करती दिखाई दे रही है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को मिस कर दिया और आज मेजॉरिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड पे रिलाई करता है। आज अफ्रीकन मार्केट प्राइमरली एक्सट्रैक्टिव नेचर की है, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी गुड्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इन गुड्स के लो प्रोडक्शन वैल्यू और अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स की वजह से ये इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लोकल जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती हैं। इंस्टेड ये रॉ मटेरियल्स चाइना एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां से इन्हें प्रोसेस कर एज अ फिनिश्ड गुड्स दोबारा इम्पोर्ट किया जा रहा है। एक इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो चाइना ने प्रपोज किया था, आज ये ट्रेड डील्स चाइना की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में अफ्रीकन देश एक डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं और रिटर्न में अपनी वॉलेटाइल कॉमोडिटीज जैसे कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड और ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, 2000 के बाद से ही चाइना के साथ अफ्रीका के ट्रेड बैलेंस एक डाउनवर्ड ट्रेंड विटनेस कर रहा है। इट मींस अफ्रीका एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा चाइनीज गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है और इस ट्रेंड का फ्यूचर में कंटिन्यूड रहने की उम्मीद लग रही है। 2019 में अफ्रीका का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $17 बिलियन से ज़्यादा था। इस स्केल के डेफिसिट में अफ्रीकन नेशंस के इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कॉलोनियल पार्टनर्स की जगह चाइना पे शिफ्ट कर दिया है। अफ्रीका के रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर से अट्रैक्ट होकर चाइना अफ्रीका में फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन एक्सपैंड कर रहा है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में चाइना के कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनीज भी आने वाले सालों में अफ्रीका में दिखाई देने लगेंगी।
ऑल्दो ये प्रोसेस चाइनीज कंपनीज द्वारा ही डोमिनेटेड रहेगी, लेकिन ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा। अगर एक लंबे समय की बात की जाए तो शायद अफ्रीका के इन गेंस की वजह से भी जितनी उम्मीद है उतनी जॉब्स का क्रिएट होना कठिन होगा। जब AfCFTA को पहली बार प्रपोज किया गया था तो अफ्रीकन यूनियन ने यह आर्ग्यू किया था कि यह ब्लॉक अफ्रीकन कंट्रीज को लोकल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने की ग्रेटर कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो ग्लोबली ट्रेड कर पाएंगे। चाइनीज इंपोर्ट्स और बिजनेसेस को रिप्लेस करते हुए इन न्यू जनरेशन अफ्रीकन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अफ्रीका आइडियली सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना अफ्रीकन कंट्रीज को लोन देता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर कॉन्टिनेंट के अंदर कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, इंजीनियर्स और लेबरर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो एक्चुअली चाइनीज बिजनेसेस को अफ्रीकन मार्केट से कनेक्ट करते हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कई अफ्रीकन कंट्रीज चाइनीज कंपनीज को इकोनॉमिक कंसेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ऑपरेशन स्टैब्लिश कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर जिम्बाब्वे ने चाइनीज कंपनीज को ह्वांगे नेशनल पार्क में कोल माइनिंग की परमिशन दे दी थी। 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी चाइनीज माइनर्स को सिमिलर कंसेशन दिए थे। इन डील से अफ्रीका की कोल कैपेसिटी कट होती है और वो ग्राउंड सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। आज अफ्रीकन्स अपने ही देश में खुद के बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कई देशों के पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि अफ्रीकन कंपनीज के पास एक्चुअली वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो इस पॉइंट तक पहुंच सके कि इस नए ट्रेड ब्लॉक से उन्हें प्रॉफिट मिले। दूसरी ओर चाइनीज ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज अफ्रीका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे भी डोमिनेट करती रहेंगी और इस न्यू ट्रेड डील से उन्हें ही फायदा मिलता रहेगा। चाइनीज बिजनेसेस आज अफ्रीका के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोमिनेंट प्लेयर बन चुके हैं। 2017 में 10,000 से ज़्यादा चाइनीज फर्म्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऑपरेट कर रही थी। चाइना के ट्रांसन होल्डिंग्स आज ईस्ट अफ्रीका मोबाइल फोन मार्केट का एस्टिमेटेड 40% मार्केट शेयर ओन करती है। स्टार टाइम्स एक दूसरी चाइनीज कंपनी है जो आज अफ्रीका की सबसे बड़ी टेलीविजन प्रोवाइडर नेटवर्क बन चुकी है। आज ये कंपनी अफ्रीका के 30 देशों में मौजूद है, जहां 10 मिलियन से ज़्यादा इसके नेटवर्क सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ चाइनीज कंपनीज अक्सर लोकल एम्प्लॉइज को मिनिमम वेज से कम पेमेंट करती हैं, स्पेशली ऐसे अफ्रीकन देशों में जहाँ स्ट्रॉन्ग लेबर लॉस की कमी है। नाइजीरिया और दूसरे कई अफ्रीकन कंट्रीज में आज ये सेंटीमेंट्स देखे जा सकते हैं कि चाइना ने अफ्रीका को एनेक्स कर लिया है। आज अफ्रीका में कई रोड साइंस चाइना के मैंड्रिन भाषा में देखे जा सकते हैं और ये लैंग्वेज पूरे अफ्रीका के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इतने रेड फ्लैग्स के बाद भी अफ्रीका के कई कंट्रीज चाइना को एक डिजायरेबल पार्टनर की तरह देखती हैं। चाइना उन देशों को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो अर्बनाइजेशन और ट्रेड के लिए ज़रूरी है। कई अफ्रीकन लीडर्स के लिए नए रोड और चमकते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर इलेक्शंस के दौरान। इसके साथ चाइना वेस्ट के अपोजिट अंडर द टेबल डील्स करने से भी पीछे नहीं हटता, जैसे युगांडा और मोजाम्बिकी के प्रेसिडेंट्स के लिए $multi-billion के ऑफिस बिल्डिंग्स बनाना। जैसे जैसे अफ्रीका की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थियोरेटिकली एक बैड ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके बाद भी चाइनीज कंपनीज अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट के लिए एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। लेबर लॉज और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के रिपीटेड एक्विजिशंस के बाद भी चाइनीज बैक्ड फैक्ट्रीज हर रोज अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। आज से लगभग 10 साल पहले AfCFTA से उम्मीद की जा रही थी कि वो अफ्रीका को यूनाइट करेगा और उसके इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स को नई हाइट प्रोवाइड करेगा, अपने ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स को बॉर्डर के अक्रॉस ट्रेड करने देने से ब्लॉक अफ्रीका के ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के नए स्टेज को सेट करेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में इस ब्लॉक के अफ्रीकन देशों से ज़्यादा चाइनीज कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि सिचुएशन को अफ्रीकन लीडर्स के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से जोड़कर देखा जाए तो इस ट्रेड एग्रीमेंट के फ्यूचर में टूटने की उम्मीद भी की जा सकती है। दोस्तों, इस ट्रेड ब्लॉक और चाइनीज अफ्रीकन रिलेशंस के नेचर ने कई डिबेट्स को जन्म दिया है और जब तक अफ्रीकन लीडर्स द्वारा कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, AfCFTA से अफ्रीका की जगह चाइना को फायदा होता रहेगा। और इस पूरे नेक्सस को लेके आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।